हेलो एवरीवन, प्रीवियस क्लासेस में हमने पढ़ा था कि मानव का विकास किस प्रकार से हुआ और उसकी उत्पत्ति किन किन पूर्वजों से हुई। देन आज हमारी लास्ट क्लास है जिसमें हम यूनिट 7 के चैप्टर 3 की जो इम्पोर्टेंट MCQ हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट MCQ। फर्स्ट हमारा MCQ है कि फिलोसफिक जूलॉजी जो बुक है उसके राइटर कौन है। फिलोसफिक जूलॉजी, फिलोसफिक जूलॉजी तो फिलोसफिक जूलॉजी जो बुक है इस बुक के राइटर लैमार्क हैं। फिर इसके बाद पूछा जाता है कि इन वर्टिब्रेटा और वर्टिब्रेटा जो बर्ड्स हैं इन बर्ड्स का सबसे पहले यूज किसने किया। इन वर्टिब्रेटा और नॉन वर्टिब्रेटा का जो यूज है इनका यूज भी जो है वो लैमार्क ने किया था। फिर इसके बाद पूछा जाता है कि उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति का सिद्धांत किसने दिया, यानी कि थ्योरी ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर किसने दी थी। थ्योरी ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर तो थ्योरी ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर जो है ये भी लैमार्क ने दी थी। इसी कारण जो लैमार्क का सिद्धांत है या जो लैमार्कवाद है इसे एक्वायर्ड कैरेक्टर या उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति का सिद्धांत भी कहा जाता है। फिर इसके बाद आता है कि ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बुक की रचना किसने की। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज तो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जो बुक है इस बुक के जो राइटर हैं वो है डार्विन, यानी कि डार्विनिज्म के बाद जो बुक डार्विन ने राइट की थी उस बुक का नाम है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, जैसे हम हिंदी में कहते हैं जाति की उत्पत्ति। जाति की उत्पत्ति। फिर इसके बाद एक और जो बुक है वो पूछी जाती है, कई बार एग्जाम में पूछी भी गई है कि ओरिजिन ऑफ लाइफ यानी कि जीवन की उत्पत्ति जो बुक है वो किसने लिखी है। ओरिजिन ऑफ लाइफ तो ओरिजिन ऑफ लाइफ जो बुक है इस बुक के जो राइटर हैं वो ओपेरिन है। ओपेरिन। तो ये हमारी कुछ बुक्स थी और जो उनके राइटर्स थे कि फिलोसफिक जूलॉजी बुक किसने लिखी, लैमार्क ने, और वर्टिब्रेटा इनवर्टिब्रेटा वर्ड का यूज़ भी लैमार्क ने किया, और थ्योरी ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर भी लैमार्क ने दी। देन जो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बुक है यानी जाति की उत्पत्ति वो डार्विन ने दी, और ओरिजिन ऑफ लाइफ जो है वो ओपेरिन ने की। इन दोनों में बहुत कन्फ्यूज़न होता है क्योंकि यहाँ पे ओरिजिन ऑफ कॉमन है लेकिन यहाँ स्पीसीज और लाइफ अलग अलग है, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं SD और OL, क्योंकि आप जब भी व्हाट्सएप पे चैटिंग करते हैं तो नाइट में SD जरूर लिखते हैं, स्वीट ड्रीम। तो इससे आप लर्न कर सकते हैं कि S से स्पीसीज और D से डार्विन, यानी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जो बुक है वो डार्विन ने लिखी, और O से ओपेरिन और L से जो है वो ओपेरिन और L से लाइफ है। तो ओरिजिन ऑफ लाइफ की जो बुक के राइटर हैं वो है ओपेरिन। तो जो है वो पूछा जाता है कि जीवन का जो आरंभ है वो प्रोकैम्ब्रियन युग से हुआ। प्रोकैम्ब्रियन। प्रोकैम्ब्रियन और
इसके बाद पूछा जाता है कि जो जीवन की उत्पत्ति है वो किस युग से हुई। जीवन की उत्पत्ति यानी कि जो अर्थ पर ओरिजिन ऑफ लाइफ है उसकी उत्पत्ति कैसे हुई। तो जो ओरिजिन ऑफ लाइफ है इसकी उत्पत्ति जो है वो आर्कियोजोइक युग में हुई। आर्कियोजोइक। फिर इसके बाद पूछा जाता है कि ब्रह्मांड की जो उत्पत्ति है यानी कि ओरिजिन ऑफ जो यूनिवर्स है वो किसने की। तो जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति है वो आज से 15 बिलियन वर्ष पूर्व हुई। 15 बिलियन वर्ष पूर्व। और ये भी पूछा जाता है कि जो पृथ्वी की उत्पत्ति है वो किस पदार्थ से हुई, या उस रासायनिक पदार्थ का या उस केमिकल सब्सटेंट का नाम बताइए जिससे जो है वो अर्थ की ओरिजिन हुई। तो उसका नाम है इलेम। फिर पूछा जाता है कि बिग बैंग यानी कि महाविस्फोट जो थ्योरी है, बिग बैंग थ्योरी, ये बिग बैंग थ्योरी किसने दी। तो ये जो बिग बैंग थ्योरी है वो एवी लीमात्रे ने दी। एवी लीमात्रे ने जो है वो बिग बैंग थ्योरी दी। फिर इसके बाद पूछा जाता है कि आर्कियोप्टेरिक्स क्या है। आर्कियोप्टेरिक्स तो जो आर्कियोप्टेरिक्स है ये जो है इसको संयोजक कड़ी या कनेक्टिव लिंक माना जाता है। और ऐसा माना जाता है कि जो पक्षियों की उत्पत्ति है यानी कि जो वर्ड्स की ओरिजिन है वो रेप्टाइल से हुई है या सरीसृप से हुई है। फिर इसके बाद पूछा जाता है कि जो पेरिपेटस है, पेरिपेटस क्या है। तो जो पेरिपेटस है वो एनिलिडा और कॉर्डेटा के बीच के कनेक्टिव लिंक है। फिर इसके बाद पूछा जाता है कि ऐसे कौन से मानव है जिसने सबसे पहले दो पैरों पर खड़े होकर चलना प्रारंभ किया। तो रामापिथिकस जो है इन्होंने सबसे पहले दो पैरों पर चलना प्रारंभ किया, रामापिथिकस। फिर इसके बाद पूछा जाता है ऑस्ट्रेलोपिथिकस के जो जीवाश्म है उनकी खोज किसने की। तो इसकी जो खोज है वो रेमोंड डॉट ने की। ऑस्ट्रेलोपिथिकस। फिर पूछा जाता है कि जो आधुनिक मानव है, आधुनिक मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो आज का जो मानव है इसका वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस सेपियंस है। फिर इसके बाद एक डॉक्टर थे अमेरिका के, उनका नाम है डॉक्टर सेपिरो। डॉक्टर सेपिरो ने एक मानव की कल्पना की और उस मानव का नाम है होमो सेपियंस सेपियंस फ्यूचरिस, यानी कि आज के मानव का नाम होमो सेपियंस सेपियंस है। और जो हमारे बाद जो फ्यूचर में ह्यूमन होगा यानी कि जो न्यू जनरेशन ह्यूमन की आएगी उसका नाम है होमो सेपियंस सेपियंस फ्यूचरिस, क्योंकि वो फ्यूचर का है। और उसके कैरेक्टर को भी डॉक्टर सेपिरो ने बताया। उन्होंने बताया कि जो वो मानव होगा उसकी जो हाइट होगी वो बहुत ज़्यादा होगी, यानी कि आज के जो मानव हैं इनसे 5-6 फीट के ज़्यादा होगी, इंक्रीज हो जाएगी। देन उसके बाद उनकी जो बुद्धिमत्ता या जो इंटेलिजेंसी पावर है वो बहुत ही ज़्यादा होगी, लेकिन उनकी जो एज है वो एज बहुत कम होगी, यानी कि उनकी आयु बहुत ही कम होगी। और उनका जो चेहरा है वो बहुत ही बड़ी साइज का होगा। तो इस प्रकार से डॉक्टर सेपिरो ने फ्यूचर के मानव की कल्पना की। फिर इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट जो टर्म है वो है ऑक्सीजन क्रांति क्या है। तो ऑक्सीजन जो क्रांति है वो एक रिवॉल्यूशन ही है, बिकॉज जो प्री हमारी अर्थ थी यानी कि जो सबसे पहले जो हमारी पृथ्वी थी उस पृथ्वी पर हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा मात्रा में थी। इस कारण जो पहले का वातावरण था वो अपचायक प्रकृति का था, या रिडक्शन जो नेचर होता है उसका था। देन उसके बाद जैसे ही हमारी अर्थ पर
जो प्रकाश संश्लेषी या फोटोसिंथेसिस करने वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं, उन ऑर्गेनिज्म का विकास जैसे ही हमारे अर्थ पर हुआ, उन्होंने सनलाइट का यूज़ किया, देन सनलाइट का यूज़ करके उन्होंने फूड को बनाना स्टार्ट किया, कार्बोहाइड्रेट बनाया, फिर उस कार्बोहाइड्रेट से जब वो बना तो उससे एनर्जी रिलीज हुई और साथ ही जो प्लांट्स थे उन प्लांट्स ने ऑक्सीजन को रिलीज़ किया। इस प्रकार से प्रकाश संश्लेषी जीवों की उत्पत्ति के कारण पृथ्वी पर जो ऑक्सीजन की उत्पन्न होने की घटना है, इसी घटना के लिए ऑक्सीजन रिवॉल्यूशन या ऑक्सीजन क्रांति कहा गया। अब इस ऑक्सीजन से फ़ायदा ये हुआ कि जो पृथ्वी थी उस पर जीवों का विकास संभव हुआ। देन ऐसे ऑर्गेनिज्म जो ऑक्सीजन के बिना जीवित नहीं रह सकते, उनके जीवन अवधि में भी बढ़ोतरी हुई। देन जो मीथेन है, अमोनिया है, इन जैसे जो जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं, इन कार्बनिक यौगिकों का अपघटन भी धीरे धीरे ऑक्सीजन द्वारा होने लगा। तो ये जो थी वो ऑक्सीजन क्रांति या ऑक्सीजन रिवॉल्यूशन थी। इसके बाद पूछा जाता है कि जो मानव है, इस मानव में जैसे जैसे बुद्धि का विकास हुआ, इसके कपाल गुहा का आयतन थोड़ा बढ़ता गया और आज के मानव का कपाल गुहा का आयतन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो आज के मानव का जो कपाल गुहा का आयतन है वो 1450 सीसी है। और पूछा जाए कि मानव मस्तिष्क का या जो ब्रेन का भार है वो कितना है, तो वो 300 ग्राम है। तो इस प्रकार से हमने यूनिट 7 के थर्ड चैप्टर इवोल्यूशन में देखा कि किस प्रकार से अर्थ की उत्पत्ति हुई, किस प्रकार से मानव की उत्पत्ति हुई, मानव का विकास उसके किन किन पूर्वजों से हुआ, कपि क्या है, कपि का विकास, कपि की शाखाएं हमने पढ़ी। इसके बाद हमने ऑस्ट्रेलोपिथिकस, रामापिथिकस, ड्रायोपिथिकस, होमो इरेक्टस, होमो हैबिलिस, क्रोमैग्नोन मानव, जावा मानव, पैकिंग मानव, नियंडरथल मानव, एटलांटिक मानव, होमोसेपियंस, सेपियंस, होमोसेपियंस, फ्यूचरिस्ट एटसेट्रा के बारे में हमने पढ़ा। और इन सभी को हमने ब्रीफ में देखा कि किस प्रकार से जो मानव का विकास है वो एक जटिल प्रक्रिया है, कितना जटिल था यदि जो साइंटिस्ट या वैज्ञानिक जो है वो हमारे लिए ये थ्योरीज ना देते, ये सिद्धांत ना बनाते और हमें ना बताते कि किस प्रकार से मानव का विकास हुआ, तो हम कभी भी ये अंदाज़ा नहीं लगा पाते कि मानव का विकास किस प्रकार से हुआ। साथ ही जो फॉसिल्स हैं, यानी कि जो अवशेष हैं, यदि वो अवशेष भी नहीं पाए जाते तो ये अवशेषों की जो आयु होती है उनकी रेडियो एक्टिविटी से हम उनके ओरिजिन का पता नहीं लगा पाते कि वो कितने वर्ष पूर्व पैदा हुए थे या कितने वर्ष पूर्व जो है वो पाए जाते थे। तो इस प्रकार से जो साइंटिस्ट थे उनका जो इवोल्यूशन में कंट्रीब्यूशन था वो बहुत ही ज़्यादा सराहनीय था। और इससे हमारे लिए पता चला कि मानव का विकास एक कितनी जटिल प्रक्रिया है। हम जिसे अभी लर्न करने में इतना डिफ़िकल्ट मानते हैं कि लर्न करने में इतना डिफ़िकल्ट है, तो ज़रा उन साइंटिस्ट के बारे में सोचिए जिन्होंने अलग अलग महाद्वीपों में जाकर, अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में जाकर इनकी खोज की, साथ ही इनका लेबोरेटरी में और जितने भी हमारी केमिकल्स जो भी ब्रांचेस होती हैं, केमिकल्स जो हमारे कंपोनेंट्स होते हैं, रिएक्शंस जितने भी चीज़ें होती हैं, उन सभी को एक्सपेरिमेंट के थ्रू पता लगाया कि किस प्रकार से मानव का विकास हुआ। तो हम बहुत ही ज़्यादा थैंकफुल हैं उन साइंटिस्ट के जिन्होंने इवोल्यूशन में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज हमारी ये जो वीडियो थी वो इवोल्यूशन की थी और आज से हमारा ये जो चैप्टर थर्ड